हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। जैसा कि आज करंट की न्यूज़ बन रही है भाई कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। भाई मैं एक बहुत मजा आ गया, मतलब कि आप बनना क्या चाहते हैं? क्रिएटर्स बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ कस्टमर्स बनना चाहते हैं? कस्टमर्स वो होते हैं जो सिर्फ सामान को खरीदते बेचते खरीदते, कस्टमर सिर्फ उन्हें कहते हैं। क्रिएटर्स उन्हें कहते हैं कि भाई जो कुछ नई क्रिएटिविटी करें, कुछ नया सबसे हटके करें। और इस बंदे पे मेरे को तो भाई प्राउड नहीं, कभी सामने मिली नहीं हूँ, बट सैल्यूट मारती हूँ, क्या बंदा है। बनो तो इसके जैसे बनो, रिस्क लेना चाहो तो इसके जैसा रिस्क लेना चाहो, जिसने अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी इतना सब कुछ कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कोई नहीं कर सका वो इसने कर दिया। इंसान को अंतरिक्ष में घुमाना वो कर दिया, कुत्ते के दिमाग में चिप फिट कर दी, उसको नचवा दिया, कोई ना नचवा पाया इसने नचवा दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके बारे में सिर्फ हम सोचते थे, इसने बना करके दिखा दिया। वो है ये इंसान, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट इंसान को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, तो जो घोषित किया गया है भैया पागल, तो पता तो चल ही गया होगा, जिसे पागल सुल्तान भी बोलते हैं हम लोग, एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क आपका। ओके, अब इनकी कंपनी के बारे में भी थोड़ी भाई चर्चा कर लेते हैं। इनकी कंपनी कौन कौन सी? एक तो इनकी टेस्ला कंपनी है, ठीक है, और दूसरी इनकी कंपनी कौन है? दूसरी इनकी कंपनी जो है वो है स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स। मैम दोनों का काम बता दीजिए भाई, दोनों का काम। टेस्ला कंपनी जो है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो स्पेसएक्स क्या करती? स्पेसएक्स का रॉकेट है फाल्कन 9, जिसके द्वारा कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया था, जिसने इंडिया का 104 सैटेलाइट छोड़ा था, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ा था फाल्कन 9 से। कौन सा रॉकेट छोड़ा गया? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है भाई, कुछ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। फिर नेक्स्ट आ जाता है, पहला टाइम मैगजीन किसे मिला? बहुत बड़ी बात हो जाती है, पहला टाइम मैगजीन मिला, पहली पहली बार आया और हमें ही मिल गया। तो ये 2000 नथिंग 1927 यानी 1927 में ये जो हमारा पहला टाइम मैगजीन मिला था वो मिला था चार्ल्स लिडनबर्ग को। 1927 में चार्ल्स लिडनबर्ग को, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर यानी पर्सन मैगजीन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो ये आपके यूएसए में चले जाओ, जो बाइडन और कमला हैरिस। कौन है? दो लोगों को मिला गया था, जो बाइडन जो कि यूएसए के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, और कमला हैरिस जो कि यूएसए की 49 नंबर की फर्स्ट वुमेन उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर जो मिला है ये मिला है सीमोन बाइल्स को। किसको मिला है? सीमोन बाइल्स को। ओके, सीमोन बाइल्स को। अगर आपसे पूछा जाए हीरोज ऑफ द ईयर किसे मिला है? भैया देखो, कोरोना आया, सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सहायक कर्मी जो थे उन सब ने। तो मिलना किसे चाहिए?
सभी को मिलना चाहिए था, बट सभी को हर चीज थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी, उन्हें हीरोज ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ बहुत पसंद आई होगी। उसके साथ मैंने जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी आपके साथ डिस्कशन किया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली इसी तरह के न्यू वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।